नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल थ्री ब्रदर टेलर पे। और आज मैं आपको इस तरह की पोटली बैग बनाना सिखाऊंगा। तो इस तरह से मैंने पोटली बैग बनाई है, तो उसमें ऐसा हैंडल लगाया है और ये जो हैंड वर्क की मैंने बॉर्डर लगाई, हैंड वर्क करवाया हुआ था इसमें, तो ऐसी बॉर्डर लगाई। तो इस तरह से मैंने बटवा तैयार किया हुआ है और आपको मैं बहुत ईजी तरीके से पोटली बटवा बनाना सिखाऊंगा। और दोस्तों, आपको मेरी वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर करें और आगे शेयर भी करें। और दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों ने मेरे चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखे उसका बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। तो उसके अंदर मैंने ऐसा वेलवेट यूज किया है जो पिंक कलर का वेलवेट है, और उसका माप यहां मैंने 19 इंच का लिया है और यहां मैंने 9 इंच का लिया है। ऐसा एक पार्ट लेना है हमें, ऐसा एक वेलवेट लेना है, एक फॉर्म सीट लेनी है। आपके पास वेलवेट नहीं है तो कोई भी फैब्रिक का यूज कर सकते हो। और एक फॉर्म सीट इसी माप की, और इसी माप का एक अस्तर लेना है, और उसमें ऐसी बॉर्डर लगाऊंगा जो इस तरह की बॉर्डर है, उसमें मैंने हैंड वर्क करवाया है। तो ये बॉर्डर का भी माप यहां मैंने 19 इंच का लिया है, 19 इंच की हमें एक बॉर्डर लेनी है। और ऊपर ऐसा हैंडल लगाऊंगा जो इस तरह का मोती वाला हैंडल है, वो हमें एक लेना है, एक हैंडल लगाना है हमें। तो अब बॉर्डर को पहले हमें इस तरह से एक बार अंदर मोड़ देना है, और यहाँ पहले हमें सिलाई कर देनी है। तो पहले मैं सिलाई कर देता हूँ इस तरह से। और अब हमें फैब्रिक रखना है, उसके नीचे पहले हमें इस तरह से बॉर्डर रख देनी है। और अब यहाँ हमें सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से हमें सिलाई करके ये बॉर्डर जोड़ देनी है। और अब यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। इस तरह से मैं बॉर्डर जोड़ देनी, जो इस तरह से मैंने बॉर्डर जोड़ दी है। और अब हम इस पार्ट के नीचे हमें फॉर्म सीट रख देनी, जो इस तरह से मैंने फॉर्म सीट रख दी है। फॉर्म सीट के ऊपर हमें पार्ट रख देना इस तरह से, और इसके ऊपर हमें अस्तर लगा देना है। तो इस तरह से यहाँ ऊपर हमें अस्तर रख देना है, और अब हमें यहाँ सिलाई कर देनी है। तो यहाँ ऊपर हमें अस्तर लगा देना है।
और अभी अस्तर को हमें अंदर की साइड मोड़ देना है, इस तरह से अंदर की साइड हमें पलटा देना है। और अब यहाँ ऊपर हमें एक सिलाई कर देनी है, तो यह मैं सिलाई कर देता हूँ। और अभी अस्तर में अंदर की साइड पलटा देना है, इस तरह से अंदर की साइड रख देना है। और अब यहां में एक इसका गैप रख देना है, एक इस पे निशान कर देना है यहाँ, और यहां भी हम एक इस पे निशान कर देंगे। और अब यहां हमें सिलाई कर देनी है। और अब इसके नीचे हमें दूसरी सिलाई कर देनी है, वहाँ भी हमें 1/4 इंच जितना हमें रखना है, यहाँ डोरी लगानी है इसलिए यहाँ भी हमें 1/4 इंच जितना रख देना है। और अब यहाँ हमें ऊपर सिलाई कर देनी है चारों तरफ, जो नीचे का अस्तर है वो साथ में आ जाए, इस तरह से हमें सिलाई कर देनी है। और अब यहाँ साइड में जो ज़्यादा फैब्रिक है, जो नीचे का अस्तर ज़्यादा है, उसको हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ चारों तरफ से जो ज़्यादा अस्तर है उसको मैं कटिंग कर लेता हूँ। और अब यहाँ हमें सिलाई कर देनी है साइड में। और अब यहाँ नीचे हमें निशान कर देना है। और अब यहाँ नीचे हमें पाइपिंग लगा देनी है, तो यहाँ मैं पाइपिंग लगा देता हूँ। तो ये ब्लैक रबर की पाइपिंग है, उसके ऊपर मैं गोल्डन पट्टी लगा कर ये पाइपिंग तैयार कर लेता हूँ। तो इस तरह से पाइपिंग के ऊपर मैं गोल्डन फैब्रिक की पट्टी इस तरह से लगा देता हूँ मैं।
और अब यहाँ हमें पाइपिंग लगा देनी है। तो इस तरह से मैं पाइपिंग लगा दी नहीं, तो इस तरह से मैंने पाइपिंग लगा दी है। और उसमें जो तलिया लगाऊंगा, तलिया कम अब यहाँ मैंने 7 इंच का लिया है और यहाँ भी मैंने 7 इंच का लिया है। 7x7 इंच का एक तलिया लेना है। उसमें नीचे मैंने अस्तर रखा है, उसके अंदर नीचे रबर सीट रखी है अस्तर के ऊपर, और उसके ऊपर मैंने वेलवेट का फैब्रिक लगा कर तलिया तैयार किया है। और अब इसको भी हमें यहाँ हमें सेंटर पर निशान कर देना है चारों जगह पर। तो यहाँ मैं निशान कर लेता हूँ ताकि हमारा जो तलिया है गोलाई लगाने में हमें आसानी रहे। इसलिए इस तरह से हमें यहाँ चारों जगह पे सेंटर पे निशान कर देना है। और अब यहाँ हमें तलिया लगा दें, हमारा तलिए का सेंटर का निशान है और ये जो हमारी सिलाई है वो हमें मिला लेनी है। यहाँ से हमें शुरू करना है। तो यहाँ से मैं शुरू कर देता हूँ। और अब ये जो हमारा सेंटर का निशान है और यहाँ निशान है वो हमें मिला लेना है। चारों जगह पे हमें चारों निशान मिलाते रहना है। और यहाँ राउंड है इसलिए यहाँ हमें पाइपिंग के ऊपर ये कट कर देना है इस तरह से, कटर से या कैंची से, ताकि हमारी जो गोला है वो अच्छी तरीके से हमारे यहाँ राउंड आ जाए। इसलिए तो यहाँ हमें जो निशान मिलाते रहना है, तो यहाँ मैं निशान मिला देता हूँ। और अब हमें यहाँ भी निशान मिला देना है। और अब यहाँ में ये तीसरा भी निशान मिला लेना है। तो इस तरह से हमें चारों निशान मिला लेना है ताकि जो हमारी गोला है, जो हमारा राउंड शेप है वो अच्छी तरीके से हमारी गोलाई आ जाए तलिए की। तो इस तरह से हमें तलिया लगा देना है, जो इस तरह से मैंने तलिया लगा दिया है। और अब यहाँ से जो साइड में जो ज़्यादा तलिया है उसको हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ से मैं कटिंग कर लेता हूँ। और अब इसको हमें यहाँ से पलटा लेना है। तो यहाँ से मैं पलटा लेता हूँ। तो इस तरह से हमारे गोलाई में तलिया हो गया है। और अब यहाँ ऊपर हमें दोरी लगा देनी है, जो मैं दोरी लगा देता हूँ। तो उसमें जो दोरी लगाऊंगा वो दोरी का माप यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। वो दोरी का माप यहाँ मैंने 32 इंच का लिया है। तो 32 इंच के में दो दोरी लेनी है। तो दोरी लगाने से पहले जो हमारी सिला है वहाँ से हमें उसके सामने हमें दूसरा निशान कर लेना है सेंटर पर इस तरह से यहाँ। और यहाँ से हमें दोरी डालनी है, अंदर डाल देनी है और यहाँ से हमें निकाल लेनी है। और यहाँ से हमें दोबारा डालनी है
और यहाँ में निकाल लेनी है। और अब हमें दूसरी धुरी लगा देनी है। और आप कोई भी एक पैकेट में से दो पारा निकाल के हमें दो ना विक्रम भैया, तो यहाँ से हमें फिर से धुरी डालनी है, दूसरी धुरी, और यहाँ से हमें निकालनी है। वेरी गुड। तो इस तरह से हमारी डोरी लग गई, जो इस तरह से मैंने डोरी लगा दी है। और इस तरह तो यहाँ मैं हैंडल लगा देता हूँ। दोस्तों इस तरह से हमारे पोटली बैग बनकर तैयार हो गया है, जो इस तरह से मैंने बना लिया और बनने के बाद इस तरह से दिखता है। और दोस्तों आप भी घर पर ये पोटली बैग जरूर बनाएं और आपसे कैसा बनते मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों आपका मेरे वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक जरूर करो और आगे शेयर भी करो। दोस्तों अभी तक आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों ने मेरी चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखे हैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में बेल आइकन भी दबाए ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। थैंक यू।